हमारे क्रांतिकारियों के विषय में कहीं पढ़ाया नहीं जाता। राजेंद्र नाथ लहड़ी का नाम आप कभी किसी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ेंगे। राजेंद्र नाथ लहड़ी जी जैसे अभिमन्यु को गर्भ में अपनी माँ के गर्भ में वीरता के संस्कार मिले, वैसे ही राजेंद्र नाथ लहड़ी जी और उनका परिवार का कितना बड़ा योगदान है आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब वो माँ के गर्भ में थे तो उस समय उनके पिताजी और उनके बड़े भाई जेल में थे। अनुशीलन समिति के नाम से, अनुशीलन दल के नाम से बंगाल में उन दिनों एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी दल कार्य करता था और जिसका सपना था कि 1857 की क्रांति जो अधूरी रह गई थी उसको दोबारा से पूरा करना है। 1857 की क्रांति बैरकपुर से प्रारंभ हुई, मेरठ से फैली, उसी क्रांति को क्रांतिकारी आगे बढ़ाना चाहते थे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अलग अलग एक्ट बनाए, क्रांति को दबाने की कोशिश की। बंगाल में यह घटनाएं, बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां लगातार आगे चलती रही। बंगाल से ही वंदे मातरम का अंकुर फूटा था। तो राजेंद्र नाथ लहड़ी जी जब माँ के पेट में थे तो उनके बड़े भाई और उनके पिताजी जेल में थे। जब 9 वर्ष की अवस्था हुई तो उनके मामा जी बनारस में रहते थे, वो उनको बनारस लेकर आ गए। बनारस में उन्होंने पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई शुरू करते करते एक और बंगाल के क्रांतिकारी हुए हैं, सचिंद्र नाथ सान्याल जी। सचिंद्र नाथ सान्याल जी की नज़र राजेंद्र नाथ लहड़ी पर पड़ी, उन्होंने उसकी क्रांतिकारी भावना को देखा और उनको बंगवाणी के नाम से उस समय एक पत्रिका निकलती थी क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसका संपादक बना दिया। और उस समय जो अनुशीलन समिति थी उसकी शाखा वाराणसी में स्थापित की गई। वो क्रांति बंगाल से होते होते मध्य भारत में, उत्तर प्रदेश में पहुंची। उस समिति का जो शस्त्र विभाग था, क्रांतिकारी जो काम करते थे ऐसे ही, वो कोई जैसे अंग्रेज और नेहरू की सरकार ने, वामपंथी लोगों ने उनको बनाया हुआ है कि वो तो सिर्फ नौजवान थे, वो तो मौज मस्ती के लिए लूटपाट किया करते थे, ऐसा नहीं है। उनका पूरा दल का लिखित संविधान होता था और उनके नैतिकता के आदर्श बहुत उच्च होते थे। तो उन्होंने उस समय अनुशीलन दल की शाखा वाराणसी में स्थापित की, उत्तर प्रदेश में, और उसका जो शस्त्र विभाग है, उसका जो हथियारों के रखरखाव का, जो उनकी, हम ये कहें कि हथियारों की जो का जो डिपार्टमेंट है उसका जो प्रभारी है, वो राजेंद्र नाथ लहड़ी जी को बनाया गया। राजेंद्र नाथ लहड़ी जी क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी भावना थी। 9 अगस्त 1925 को जब क्रांतिकारियों को धन की आवश्यकता हुई तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह के साथ उन्होंने अंग्रेजों की ट्रेन के ऊपर डकैती की। काकोरी क्रांतिकारी घटना के, काकोरी की क्रांति के नाम से हम इसको कहेंगे, अंग्रेजों ने हमें उसको काकोरी कांड के नाम से पढ़ाया, हम उसको काकोरी कांड नहीं कहेंगे क्योंकि वो सोची समझी क्रांति की एक बड़ी घटना थी और उसको गौरव देना हम सबका नैतिक दायित्व है। तो काकोरी की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों के खजाने के ऊपर, उन्होंने अंग्रेजों के खजाने को, और मैं कहूंगा लूटा भी नहीं, अंग्रेजों के खजाने को वापिस लिया, अंग्रेजों के खजाने को अपने क्रांतिकारी दल की क्रांति के लिए उन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी इत्यादि ने सोचा कि अभी तो हम केवल पिस्तौल से जो हम बाहर से कुछ माउजर मंगवा लेते हैं उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बड़ी घटना करनी है, क्रांति करनी है, तो केवल पिस्तौल से लड़ाई नहीं हो सकती, तो इसके लिए बम बनाने की टेक्नोलॉजी हमें सीखनी है। तो क्रांतिकारी चाहते थे कि भी किसी भी तरह हम बम बनाएं, बम बनाना सीखें। उस समय ये बम बनाना भी बहुत मुश्किल काम, बहुत हाई लेवल का काम माना जाता था। आज के जमाने में हम कहें तो परमाणु बम या कोई मिसाइल बनाना, इस टाइप का काम, जैसे आज यदि हमें कोई मिसाइल बनानी हो तो उसके लिए बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, साइंटिस्ट जैसा माइंड चाहिए, और इसके लिए टेक्नोलॉजी मिले इसके लिए धन की व्यवस्था चाहिए। तो उस समय बम बनाना भी इतना ही मुश्किल था। ये उस समय की बात है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बंदूकों की सहायता से ही लड़ा गया था। उसके बाद बम बनाने की टेक्नोलॉजी में तेजी आई थी, पूरी दुनिया में बमों के ऊपर अनुसंधान चल रहा था। तो हमारे क्रांतिकारियों ने सोचा कि यदि हम बम बनाना सीख लेते हैं तो हम अंग्रेजों के खिलाफ अच्छे से क्रांति कर पाएंगे। तो उन्होंने बम बनाने की टेक्नोलॉजी के लिए राजेंद्र नाथ लहड़ी जी को बंगाल में भेजा। बंगाल के कुछ क्रांतिकारी विदेशों से बम बनाना सीख कर आए थे, उनके साथ उनको बम बनाने के लिए भेज दिया गया। बंगाल में वो बम बनाने के परीक्षण कर रहे थे तो एक साथी की असावधानी से एक बम जल्दी फट गया, उसके धमाके से पुलिस आ गई और पुलिस ने राजेंद्र नाथ लहड़ी जी को और उनके क्रांतिकारी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, उनको 10 वर्ष की सजा हुई जिसको बाद में 5 साल कर दिया गया। अब वो 5 साल की सजा चलते चलते अंग्रेजों ने जब देखा
कि राजेंद्र नाथ लाहड़ी जैसे क्रांतिकारी यदि रहे तो हम भारत के ऊपर शासन नहीं कर सकते। तो उन्होंने राजेंद्र नाथ लाहड़ी जी को काकोरी क्रांति वाली घटना में, जिसको अंग्रेज काकोरी कांड कहते थे, उसमें उनको फंसाया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया, फर्जी प्रमाणों के आधार पर मुकदमा चलाने का ढोंग किया गया। और ढोंग करने के बाद उस समय उस मुकदमे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सगे साले मुल्ला जगत नारायण सरकारी वकील की भूमिका में थे। तो उन्होंने उस मुकदमे को चलाया। मुकदमे को चलाने के बाद पंडित राजेंद्र नाथ लाहड़ी जी को, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा सुनाई गई, अशफाक उल्ला खां को सुनाई गई, ठाकुर रोशन सिंह को सुनाई गई। तो 17 दिसंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला है गोंडा, मेरा कई बार जाना हुआ, मैंने गोंडा की उस जेल को भी नमन किया है, उस फांसी घर को नमन किया है जहां राजेंद्र नाथ लाहड़ी जी को फांसी दी गई। और जब उनको फांसी के तख्ते पर ले जाया गया तो उन्होंने ये कहा कि मैं मर नहीं रहा हूं, बल्कि मैं भारत को आजाद करवाने के लिए पुनर्जन्म ले रहा हूं। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, सबका क्या मानना था कि हम भारत को आजाद करवाने के लिए दोबारा जन्म लेंगे, हमें मुक्ति या मोक्ष नहीं चाहिए, ये तो हमारे कपड़े हैं, इसको हम बदल रहे हैं। तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर राजेंद्र नाथ लाहड़ी झूल गए। और आज भी गोंडा में आज भी लहरी दिवस के नाम से उनके नाम पर मेला आयोजित किया जाता है, उनके दिवस मनाए जाते हैं। आपके आसपास भी यदि कोई क्रांतिकारी हुआ है, आपके आसपास भी किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी शहादत दी है, तो आप भी उसकी स्मृति में कोई कार्यक्रम आयोजित कीजिए, कोई शोभा यात्रा निकालिए, उनकी कोई प्रतिमा स्थापित कीजिए, उनकी जयंती को याद करते हुए प्रेस विज्ञप्ति दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, उनके लिए किसी विद्यालय में, छोटे विद्यालय महाविद्यालय में बच्चों को उनकी जीवनी के बारे में बताइए। तो ये हम अपने उन भूले बिसरे क्रांतिकारियों को याद करें, उनको स्मरण करें जिनकी बदौलत हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने इस भारत को अखंड भारत बनाया, जिन्होंने इस भारत से अंग्रेजों से रक्षा की। तो उस राजेंद्र नाथ लाहड़ी जी को हम नमन करते हैं।